आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। सहरसा के वीर कुंवर सिंह चौक से लेकर शंकर चौक तक सहरसा के वीर जवान कुंदन यादव और बिहार ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना परचम लहराने वाले सुपरस्टार सुशांत सिंह की मौत की सीबीआई जांच को लेकर मार्च निकाला गया। इसके साथ ही श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया। शहर के वीर कुंवर सिंह चौक से शंकर चौक तक ही कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। सभी के हाथों में शहीद कुंदन कुमार के पोस्टर और सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टर भी नजर आ रहे थे। कैंडल मार्च के दौरान फिल्मी जगत के कई मशहूर अभिनेता के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही थी। इस दौरान राजपूत करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिओम कुमार सिंह ने बताया कि सहरसा के लाल शहीद कुंदन कुमार और पूरे भारत में परचम लहराने वाला सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत को लेकर श्रद्धांजलि के साथ साथ कैंडल मार्च का कार्यक्रम किया गया है। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द सुशांत के मौत के रहस्य को सुलझाए और सीबीआई द्वारा जांच किया जाए। आज हम लोग सहरसा के स्थानीय बाबू वीर कुंवर सिंह चौक हम लोग पहुंचे हैं और हमारे सहरसा के जो वीर शहीद हुए हैं कुंदन यादव जी और हमारे फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग कैंडल मार्च निकालते हुए बाबू वीर कुंवर सिंह चौक से शंकर चौक तक जाएंगे। इससे पूर्व भी हम लोगों ने पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। हम लोग का भारत सरकार और गृह मंत्रालय से मांग है कि जल्द से जल्द सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की निष्पक्ष जाँच की जाए, सीबीआई जांच की जाए और जो दोषी है उन्हें सजा दी जाए। हम बिहारियों के साथ पक्षपात करना बंद करें। हम बिहारी वही बिहारी हैं और यह बिहार की धरती वही धरती है जहां हर घर से दो नेता, एक गुंडे और एक आईएएस निकलते हैं। हमें गुंडे ही करने पर आमदा नहीं करें। हम लोगों के हित में और हम बिहार के युवा, आने वाले जो युवा है उनके हित में कदम उठाएं और हमें सुशांत सिंह राजपूत के हत्या की निष्पक्ष जांच चाहिए। यही हमारी केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय से